हे गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी इंस्टाग्राम की वायरल रील्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं आप पर आपको दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आप भी अगर इस डिज़ाइन की रील्स को क्रिएट करना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, सो फ्रेंड्स मैं आपको यहां पर आपको दिखा देता हूं कि मैंने भी अपनी रील्स इस तरह की क्रिएट करी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी यहाँ पर अपनी रील्स कितनी सिंपल तरीके से क्रिएट कर ली है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस डिज़ाइन की रील्स अपने लिए क्रिएट करनी है, अपने फोटो की क्रिएट करनी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैंने इसका पूरा फुल ट्यूटोरियल बताया है इस वीडियो में, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइज, इस वीडियो की एडिटिंग हम वी एन ऐप से करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप प्ले स्टोर से भी सिंपल तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक फोटो सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में एक फोटो ही सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर एक फोटो को अपने सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर अपने फोटो सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आ भी चुका है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए ओरिजिनल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी 16:9:16 वाले पर क्लिक करना है। टिकटॉक वाले पर यहाँ से आपका जो ये ओरिजिनल वाला ओरिजिनल है तो आपका यहाँ पर इंस्टाग्राम वाला सेलेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको फिर से लास्ट में जाना है। आपको यहाँ पर इस पर टैप करने के बाद डिलीट कर देना, ये जो है इस एप्लीकेशन का लोगो है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। यार, यहाँ पर अब कोई भी लोगो नहीं आएगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको इसको थोड़ा छोटा करना है। छोटा करने के बाद फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको उसको छोटा करने के बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इफेक्ट्स, यानी कि इफेक्ट, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप कोई भी इफेक्ट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वाइड वाला इफेक्ट ले लेता हूँ। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर वाइड वाला इफेक्ट लेने के बाद इसको यहाँ से पूरा फिल भी कर लेना है। इफेक्ट जो है ना आपकी लेयर की इफेक्ट, आपको यहाँ पर ये लेयर वाला इफेक्ट पूरा कर लेना। तो मैंने पूरा कर लिया, अब टिक कर देता हूँ। तो मैं मेरा यहाँ पर ये वाला इफेक्ट लग चुका है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने नो फोटो चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर अपने नो फोटो चूज़ कर लेता हूँ। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा ऑप्शन आ जाएगा फोटोज़ एंड वीडियो। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पर फोटोज़ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने जल्दी से वो अपने नो फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने नौ फोटो सेलेक्ट कर लिए हैं। तो यार, यहाँ पर सारे नौ के नौ फोटो सेलेक्ट हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्या करना है, इस लेयर को थोड़ा छोटा करना है। जो लेयर है आपकी, इन लेयर को आपको थोड़ा छोटा कर लेना है जल्दी जल्दी। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने नौ फोटो छोटे छोटे कर लिए हैं। ये फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको करना है, आपको यहाँ पर हर फोटो पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है FX, यानी कि इफेक्ट वाले। तो आपको यहाँ फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन मिलता है, आपको इस वाले पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका इफेक्ट लग जाएगा। अब मैं यहाँ पर अपने सारे फोटोज़ पर अपना ये वाला इफेक्ट लगा लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने सारे फोटोज़ पर इफेक्ट लगा लिया है। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर वो साउंड लगाने के लिए
जो आपके साउंड है, तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको ऊपर मिलता है एक ऑप्शन है यहाँ पर सॉन्ग का, तो आपको यहाँ पर सॉन्ग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर म्यूजिक पर क्लिक करना है। देंस अगर आपकी गैलरी में कोई वीडियो है और आपकी उसको साउंड निकालनी है, तो आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, तो यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपकी जिस वीडियो की सॉन्ग निकालनी है, मतलब सॉन्ग निकालना है, तो आप यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो मुझे यहाँ पर इस वाली वीडियो सॉन्ग निकालना है, यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा ऑप्शन आया द नेम इज़ ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर एक नेम चेंज कर लेता हूँ, इस नेम से मैंने सेव कर रखी है, तो मैं यहाँ पर एक नेम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस नेम को क्लिक कर दिया, मैं ओको कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरी ये साउंड निकल गई है। अब मैं इस साउंड को चूज़ कर, अगर आप इस साउंड को लगाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, लग चुकी है। अब मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अभी। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग कर लेनी है, बिना सेटिंग के आपकी वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो बिल्कुल रेडी कर ली है। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी थोड़ी सेटिंग ठीक नहीं है, तो इसलिए वीडियो ठीक से प्ले नहीं हो रही है, इफेक्ट नहीं लग रहा है। फ्रेंड्स अगर आप अपनी वीडियो बनाए तो आपको यहाँ पर ठीक से अपने इफेक्ट लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसको सेव करने के लिए एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ऐसा होगा, तो यहाँ पर आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि सारी टिप्स और ट्रिक्स ये शॉर्ट वीडियोस हम आपको बताते रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।